हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मेरी वीज़ा रिफ्यूज़ल स्टोरी के बारे में। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि मेरा फर्स्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल कैसे आया था। मैंने अपना वीज़ा SDS कैटेगरी में लॉन्च किया था, फिर भी वो नॉन SDS कैटेगरी में चला गया, जबकि मैंने पूरे 1 ईयर के फ़ी पे कर रखे थे। यहाँ तक कि मेरे आइल्स के बैंड भी ओवरऑल 6.5 थे, नॉट लेस देन 6, फिर भी मेरा फाइल जो है वो नॉन SDS कैटेगरी में चला गया। और मेरा रिफ्यूज़ल आता भी है पूरे 3 मंथ्स के बाद। तो मैं उसका स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ऐसा क्यों हुआ और आप क्या गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेरे फाइल लॉन्च की। तो मैंने अपना फर्स्ट फाइल जो है 15 अप्रैल को लॉन्च करा था और मेरे रिफ्यूज़ल 21 जुलाई को आया, जबकि मुझे सेप्टेम्बर इनटेक में जाना था। तो और मेरे कॉलेज की तरफ से लास्ट डेट जो है वीज़ा उन्हें इन्फॉर्म करने का था वो था 1 अगस्त। तो मेरे पास 9 ही दिन बचे थे, तो मुझे मुझे भरोसा नहीं था कि फिर से मेरा फाइल जो है 9 दिन के अंदर आ सकता है। इसलिए मैंने लॉज नहीं करा और मैंने उन्हें उसे डेफ़र करवाया मई इनटेक के लिए, क्योंकि जनवरी का इनटेक मेरे कॉलेज में अवेलेबल नहीं था। मुझे कॉलेज चेंज भी नहीं करना था, क्योंकि अगर मैं फिर से कॉलेज चेंज करता तो फ़ीस वापस आने में ऑलमोस्ट 2 मंथ लग जाते। फिर अगर मैं अपना फ़ीस वापस मंगवा रहा होता तो शायद अब तक मेरा फ़ीस वापस आता ही, और फिर से मुझे फ़ाइल करना होता तो हो सकता है मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता दिस जनवरी इनटेक के लिए किसी भी कॉलेज में। तो बात करते हैं मेरे फ़ाइल की। तो मैंने फ़ाइल लॉन्च करा 15 अप्रैल को, मैंने अपने बायोमेट्रिक दिया 20 अप्रैल को, और मैंने मेडिकल पहले ही करवा रखा था 1 महीने पहले 10 मार्च को। तो मेरा मेडिकल जो है वो तो अपडेट हो गया था 1 महीने बाद, जो कि 12 मई को। क्योंकि मैंने फ़ीस अपने पूरे 1 साल के पे कर रखे थे, मेरे आइल्स के बैंड भी 6.5 थे, नॉट लेस देन 6, तो बात यह होता है कि मेरा फाइल जो है अगर SDS में है तो 20 दिन के अंदर आया क्यों नहीं। मैक्सिमम अगर 20 दिन नहीं भी लगता है तो 1 महीने लग सकते हैं, पर मेरा फाइल 1 महीने के अंदर भी नहीं आया। तब फिर मैंने एक वेब फॉर्म रेस करा IRCC को और उनसे पूछा कि मेरा जो है 1 मंथ हो चुका है, फिर भी मेरा फ़ाइल अभी तक कोई अपडेट नहीं है मेरे फाइल के बारे में। उस समय कनाडा के अंदर स्ट्राइक भी चल रहा था अप्रैल के टाइम में, तो मुझे लगा हो सकता है स्ट्राइक की वजह से थोड़ा लेट और लग सकता है, पर एक से ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया फिर भी कोई पता नहीं था। तब मैंने फिर से एक बार वेब फॉर्म रेस करा, तब मुझे पता चला कि मेरा फाइल जो है कोलंबो में चला गया था। मैंने फाइल अपना इंडिया से लॉन्च करा था लेकिन मेरा फाइल कोलंबो चला गया था। तो इसके पीछे भी मुझे जो रीज़न लग रहा था, क्योंकि मैं लास्ट 2 साल से मालदीव्स में काम कर रहा था होटल इंडस्ट्री में, और मैंने अपना फाइल लॉन्च वहाँ से रिज़ाइन दिया फिर आकर यहाँ इंडिया में करा, ताकि मेरा फाइल जो है SDS कैटेगरी में जाए। क्योंकि अगर मालदीव से जाता तो फाइल स्ट्रांग नहीं होता और हो नॉन SDS में भी जाता, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं इंडिया वापस आऊँगा और फिर फाइल लॉन्च करूँगा SDS कैटेगरी के अंदर, क्योंकि SDS कैटेगरी में कुछ फिक्स्ड कंट्री हैं जो कि फ़ाइल कर सकते हैं अपना वीज़ा। तो मैं 10th को रिज़ाइन दिया अपने जॉब से मालदीव्स में, मैं 12th को वापस इंडिया आया और मैंने 15th को अपना फ़ाइल लॉन्च करा, लेकिन फिर भी मेरा फ़ाइल जो है कोलंबो चला गया। इसका रीज़न मुझे अब तक नहीं पता है, हो सकता है कि लास्ट मैं 2 साल से रह रहा था मालदीव्स, ये हो सकता है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जब मेरे एजेंट फॉर्म भर रहे थे उस समय शायद उन्होंने गलती से कहीं ना कहीं मेंशन करा होगा मालदीव्स का, तभी मेरा फ़ाइल जो है नॉन SDS में चला गया। और मैंने अपने पहले एजेंट से बात भी करा था तो वो कभी भी ये नहीं बोल रहे थे कि आपका फ़ाइल जो है ना 20 दिन के अंदर आ जाएगा, उनका यही हमेशा कहना था कि 3 महीने तक लगता है। जबकि मैंने दोबारा अपना फ़ाइल लॉन्च करा था, 17 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। आपने मेरा एक पहला वीडियो देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो बाद में आप देख सकते हैं इसके बाद जाकर। और उन्होंने मेरे एजेंट ने दोबारा जो मैंने एजेंट चेंज करके फ़ाइल करा था, उन्होंने खुद बोला कि आपका SDS में आया तो आपका विदिन 20 to 25 वर्किंग डेज आ जाएगा। और मेरे पहले एजेंट बार बार मुझे यही बोल रहे थे 3 मंथ तक आप वेट करो, आप कोई भी वेब फॉर्म रेज मत करो क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम ही 3 मंथ है। पर मैंने सोचा अगर 3 मंथ तक मुझे वेट ही करना है तो ऑलमोस्ट जुलाई हो जाएगा, और 1 अगस्त लास्ट डेट था मेरे कॉलेज को इन्फॉर्म करना कि मेरा वीज़ा आया है नहीं आया है, अगर नहीं आता है तो वो मुझे खुद से डेफर दे देते। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा रिफ्यूज़ल भी आ जाए वो भी चलेगा, बस मेरा फ़ाइल का रिज़ल्ट आ जाए। तो मैंने फिर से एक बार रेज़ किया वेब फॉर्म अपना, 2-3 बार रेज़ एक्चुअली कर दिया था, मैं हर 1 मंथ में कर रहा था, पर
मुझे कोलंबो की तरफ से भी एक ही मेल आ रहा था कि आपका फाइल जो है प्रोसेसिंग में है। वैसे भी मुझे पता चल गया था कि मेरे वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांस ऑलरेडी लेस हो चुके हैं, क्योंकि मेरा फाइल नॉन एसडीएस में चला गया है। और नॉन एसडीएस का एक्सेप्टेंस रेट आपको खुद मालूम है कि बहुत ज़्यादा लो है एसडीएस के कंपेयर में। मैंने अपने एजेंट को भी बोला कि आप एक बार वेब फॉर्म रेज करके देखो, पर आपको पता ही एजेंट का सीन क्या होता है, उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो पर्सनली आपके फाइल पे उतना ज़्यादा उनका ध्यान रहता नहीं है। उनका मेन फोकस बस रहता है कि आपको वो कॉलेज दिलवाएं जिनसे उनका ज़्यादा कमीशन आ रहा हो, और उसके बाद आपका फाइल लॉन्च कर दें। आई थिंक क्योंकि उनको अपना कमीशन डायरेक्टली कॉलेज की तरफ से मिल जाता है, इसलिए वो चार्ज भी नहीं करते हैं। तो मैंने भी बहुत रिसर्च करा था, पर जिस एजेंट के थ्रू मैंने अप्लाई किया था उनका रेटिंग भी बहुत काफ़ी अच्छा था, 4.6 या 4.7 था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस समय मालदीव्स में काम कर रहा था। तो मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया एजेंट के बारे में और मैंने उनसे फ़ाइल लगवा लिया, और फ़ाइल लगाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया उन्होंने एक्चुअली, क्योंकि मैंने उन्हें फरवरी में ही मेरा कॉलेज का लेटर आ गया था, मैंने फ़ीस भी लोन अप्रूव करवा लिए थे अपने और फीस पे भी कर दिए थे। उसके बावजूद अब बारी आती है लास्ट प्रोसेस जो है मेरा वीज़ा फाइल करने का। वीज़ा फाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने लगाया। मैं जब भी उनको बोलता था कि मेरा वीज़ा फाइल कब होगा, तो उनका यही कहना था कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपका सितंबर इनटेक है, अभी आपके पास 6 महीना है, तो आप टेंशन ना लें, आपका फ़ाइल आराम से लग जाएगा। तो मैं भी सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, और वैसे भी एसडीएस के अंदर तो 20 दिन ही लगता है। तो मेरा हमेशा से प्लान था कि मैं जब भी फाइल लगवाऊंगा तो इंडिया वापस आके लगवाऊंगा, पर 1 महीने। और जब भी मैं उन्हें अपने वीज़ा फाइल करने के लिए बोलता था, तो उसके पहले मुझे एसओपी की ज़रूरत थी, और जो कि चेक करने के लिए उन्होंने पूरे 1 मंथ लिए हैं। जब भी आज अगर मैं मेल करता था उनको या मैसेज डालता था कि मेरा एसओपी मैंने भेज दिया, आप एक बार चेक कीजिए, तो 1 हफ्ते बाद वो ये रिप्लाई देते थे कि अच्छा आपके एसओपी में ये मिसिंग है पार्ट। फिर से चेक करने के लिए देता था तो 1 हफ्ते बाद रिप्लाई आता था। तो उस चीज़ में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है, और उनका ये भी कहना था कि आपके पास टाइम बहुत है। तो इस चक्कर में वो गलती मेरे से हुआ, और मैंने फाइल जब लॉन्च करा तो ऑलमोस्ट 15th of April हो गया था, और मैंने अपना मेडिकल पहले ही करवा लिया था। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। उसके बाद मुझे 21st of July को सुबह में 8 बजे एक मेल आता है IRCC की तरफ से कि योर GC की पोर्टल हैज़ बीन अपडेटेड। तो मुझे लगा कि चलो करस्पॉन्डेंस लेटर आया होगा, क्योंकि पहले करस्पॉन्डेंस लेटर आता है, उसके बाद आपका जो भी है वीज़ा पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आता है या करस्पॉन्डेंस लेटर आता है। तो मैंने चेक करा, करस्पॉन्डेंस लेटर था। फिर 5 मिनट के अंदर ये दूसरा मेल आया, तो मैंने फिर से अपना जी सी के चेक करा, तो वहाँ करस्पॉन्डेंस लेटर था और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, और रीज़न सेम था कि आपका कनेक्शन जो है इंडिया से टाई स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने दूसरी बार जब फाइल लगवाना था, मैंने उस एजेंट से पूछा था जस्ट चेक करने के लिए कि क्या बोलते हैं वो, तो उनका फिर से यही कहना था कि अरे आपका तो मई इनटेक है, तो उसमें अभी 8 से ज़्यादा महीना बचा है, मैक्सिमम आप 6 से 6 महीना हो जाएगा, उसके बाद आप लगवाइएगा फ़ाइल। मतलब उनका कहना था कि सितंबर के बाद मैं फ़ाइल लगवाऊंगा, और जबकि मैंने दूसरे एजेंट से लगवाया सितंबर के पहले ही मेरा फ़ाइल आ भी गया था, लाइक मई इनटेक के लिए मेरा 8 महीने पहले वीज़ा आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से रिसर्च नहीं करा था, इसलिए मैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलूँगा, मैं इसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल था। पर कोई नहीं, मेरा अभी वीज़ा आ चुका है तो ठीक है। लेकिन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप जब भी फाइल अपना लगवा रहे हो तो रिसर्च बहुत अच्छे से करें, अपने कॉलेज के लिए, अपने एजेंट के लिए जिसके भी थ्रू लगवा रहे हैं, आप रिव्यूज़ देखें। और आप समझिए अभी जो है प्रोसेसिंग टाइम और भी ज़्यादा डिले होने वाला है IRCC की तरफ से, उसका रीज़न मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। IRCC की तरफ से अभी डिले होने वाला है, तो मेरा फ़ाइल हो सकता है और ज़्यादा अटक जाता अगर मैं अपना फ़ाइल लॉन्च नहीं करता, उनके भरोसे रहता। तो आप अपना रिसर्च बहुत ही अच्छे से करें जब भी आप फ़ाइल लगवाने जा रहे हैं।